इससे फायदा उठाओ, हम कब रहेंगे। इंसान को चाहिए कि ख्याल कजा रहे, हम कब रहेंगे जबकि न रसूल खुदा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर जाने वाला कहने वालों को कह रहा है कल तुम्हारा नंबर है, कल तुम्हारी मैयत कंधों पर होगी और कल तुमको कब्र के अंदर उतारा जाएगा। अगर तौबा करनी है आज तौबा कर लो। मैं इस पूरे मजमे से कहता हूँ और इसके जरिए से पूरे किश्तवाड़ को कहता हूँ, मेरे नौजवान साथी हो, मेरे बुजुर्ग भाई हो, जिनका नंबर लग रहा है, सच्ची तौबा कर लो, अपने गुनाहों को माफ करवा लो और जिस जगह जाना ही है तैयारी के जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। वैसा चेहरा बनाओ जिनको चेहरा दिखाना है, वैसा अमाल नामा बनाओ जिनको अमाल नामे दिखाने हैं। अपनी किताब को कुछ नेकियों से भर लो। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आदमी बड़ा खुश नसीब है जिसके झोली के अंदर, जिसके अमाल नामे में क़यामत के दिन बहुत ज्यादा इस्तिग़फ़ार होगी। मैं और आप इस्तिग़फ़ार करें। और आखिरी बात कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान दुनिया से जाता है, तीन किस्म के आदमी बताए उसका सिलसिला बाकी रहता है। और फरमाया जिंदा दुआ करते हैं तो परवरदिगार उनकी दुआ का सवाब मुर्दों को पहुंचाता है। आरी साहब का एहसान है और उनकी मोहब्बत का तकाजा है कि हम सब उनके लिए दिल से दुआ करें। उनके सुसरे मोहतरम हम सब के बहुत हरदिल अजीज मोहसिन मोहतरम सरगर साहब फरमा रहे थे, मैं एक मिनट कुछ बात बिरादरी से कहूंगा, मैं उनको बुलाता हूँ, बस उसके बाद जनाजे की नमाज हो जाएगी, चूंकि लोग आ गए और मजीद इंतजार करना मुनासिब नहीं।